पेरिस ओलंपिक्स 2024 बिल्कुल ऐसा ओलंपिक्स बन गया है जो कभी भूला नहीं जा सकता है, क्योंकि ऐसा ऐतिहासिक ओलंपिक्स ये बना है जो कभी भी हिंदुस्तानियों ने नहीं देखा है। एक ही ओलंपिक्स में आज़ाद हिंदुस्तान के एक एथलीट ने दो दो मेडल्स जीते और एक इवेंट में एक तीसरा मेडल जीतते जीतते चूक गए, और पूरे हमारे हिंदुस्तान को फिलहाल इंस्पायर किया और आने वाले जनरेशंस को इंस्पायर करने वाली है। और सिर्फ 22 साल की मनु भाकर डबल ओलंपिक मेडलिस्ट, और अंग्रेज़ी में एक कहावत है, इफ़ यू आर गुड इनफ यू आर ओल्ड इनफ। सिर्फ 22 साल में वो कारनामा कर दिया जो 100 साल में भी इंसान नहीं कर पाता है। कमाल कर दिया मनु। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन जो आपने पेरिस में किया, और इसके अलावा जो 25 मीटर में आज हुआ, गोल्ड सिल्वर चल रहा था, कहाँ पे कैसे वो चूक हो गई, वो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि हम तो हैट्रिक हमें दिख गया था, वो हैट्रिक चूक कैसे गए वहाँ से? आप वैसे कह रहे हो तो बुरा लग रहा है नहीं, बट मैं कोशिश कर रही थी, पर आई थिंक एक तो पॉइंट्स का ही होता है कि एक तो पॉइंट से ऊपर हो, एक तो पॉइंट से आप नीचे हो, तो अब बहुत बुरा लग रहा है एक्चुअली। नहीं नहीं, तो छोड़ देते हैं इसको। बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए कि दो ब्रॉन्ज मेडल्स मुझे मिले, और फोर्थ पोजिशन मतलब डेफिनेटली अच्छी नहीं होती है। बहुत सारे मेरे साथी भी जो फोर्थ पोजिशन पे बाहर हुए हैं, जैसे अर्जुन बाबूता, आई फील हिम, अभी अभी लग रहा है उसका दुख, बट डेफिनेटली आगे और भी मोटिवेशन मिलता है कि आगे और अच्छा करो, आगे और कोशिश करो, इतना इनफ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, और इतने से कम समय में टोक्यो से लेके यहाँ तक सिर्फ 3 साल की जर्नी थी। टोक्यो 2020 ज़रूर बोलते हैं, आगे जब आप लोग देखोगे इस इंटरव्यू को, आप बोलोगे टोक्यो में लिया था, आपको लगेगा 4 साल का फ़र्क है। नहीं, आपको फिर वो पन्ने पलटने पड़ेंगे। 2021 में हुआ कोविड की वजह से, सिर्फ 3 साल के अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत सेटबैक्स होते हैं, कमबैक करने की कोशिश करते हैं, चार चार पांच पांच ओलंपिक्स खेलते हैं लेकिन मेडल नहीं जीत पाते। इन 3 सालों में जो कारनामा किया मनु, ये कितना कॉन्फिडेंस देता है अपने डायरेक्शन पे, अपने दिशा में, अपने ट्रेनिंग में, अपने कोच पे, अपने फैमिली पे, कितना कॉन्फिडेंस देता है? सर आई थिंक हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ 3 साल, क्योंकि मेरी जर्नी तो 8.5 साल की रही है, और शूटिंग में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स, मुझे सब कुछ मेरी लाइफ में शूटिंग ने ही दिखाया है, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो बुरा हो, चाहे कैसा भी हो। तो आई वुड से कि वो सारी 8.5 साल की जो मेहनत है वो थोड़ा रंग लाते हुए मुझे दिख रही है, और मैं काफ़ी खुश हूँ कि आज ये इतने सारे लोगों का सपोर्ट है, उसके बाद ही मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। तो आई थिंक बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं उन सब लोगों के लिए कि उन्होंने इतना सपोर्ट किया। इवन टोक्यो के बाद जब मेरा कंपटीशन अच्छा नहीं किया था, तब भी बहुत सारे लोगों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा था, तो मैं उस चीज़ के लिए बहुत थैंकफुल हूँ। और आई डोंट थिंक किसी भी एथलीट को जब आप बुरे वक्त में सपोर्ट करते हो तो वो आपको कभी भी नहीं बोलता। बिल्कुल, कीप सपोर्टिंग हमारे जो भी अभी इस बार थोड़ा रह गए हैं, थोड़ा चूक गए हैं, आगे भी उनको सपोर्ट कीजिए और वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल, मतलब डबल ओलंपिक मेडलिस्ट कह रही हैं कि चूक गए, मतलब इससे पता चलता है कि भूख बहुत ज़्यादा है ना, मतलब हंगर पूरी है, और बहुत दिनों तक हम मनु भाकर को देखेंगे कि हिंदुस्तान के लिए खेलती रहेंगी और हम सबको खुशियाँ मिलती रहेंगी। मनु, अगर बात करें आपके पेरेंट्स की बात करें और आपके कोच की बात करें, जो एकदम सबसे क्लोजेस्ट सपोर्ट सिस्टम रहा है, और आपने, मैंने इसलिए कहा था 3 साल, आप सही बात है, 8.5 साल रहा है, मैं अपने आप को भी थोड़ा जस्टिफाई कर देता हूँ। 3 साल इसलिए कहा क्योंकि उस समय आप जिस मेंटल ट्रॉमा से गुजरी, मैं बहुत ट्वीट करता था मनु को, मनु ने एक दो बार जवाब भी दिया कि मैं बदल गया हूँ मनु, अब वो मनु नहीं हो जो टोक्यो, एकदम बदल गया। तो ये सपोर्ट सिस्टम कितना आपके काम आया, सब खासकर मैं आपके मॉम के बारे में पूछना चाहता हूँ, क्योंकि उनसे मैंने बात की थी तो मैंने देखा था कितना सपोर्ट उन्होंने किया, किस तरीके से उन्होंने आपको मतलब आगे बढ़ाया, तो इस सपोर्ट के बारे में थोड़ा सा बताओ। ये 3 साल आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी एथलीट के लिए, पॉजिटिव ऑरा होना, मतलब आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना चाहिए कि कोई बात नहीं, मैच है, मैं मतलब अपना बेस्ट दूंगा, प्रैक्टिस है, मैं अपना बेस्ट दूंगा, जिम सेशन है, मैं अपना बेस्ट दूंगा। सो मतलब हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ काउंट करती है। तो आई वुड से कि वो चीज़ से लेकर टोक्यो से लेकर यहाँ तक पहुँचने में आई थिंक वो मेजर चीज़ है, कंसिस्टेंसी और द विल टू नॉट गिव अप, द विल टू कीप गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। चाहे आज मैं हार भी जाती तो आई डोंट थिंक मैं दोबारा छोड़ती शूटिंग, आई थिंक मैं लॉस एंजलिस के लिए दोबारा तैयारी करनी शुरू कर देती, और अभी मेडल है उसके बाद भी मैं अभी मेरी आंखें वहीं हैं कि अगले कंपटीशन में इससे भी बेहतर कैसे मैं कर सकती हूँ, वो टटोल रहा है कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। और जहाँ तक सपोर्ट की आप बात करते हो, आई थिंक
when women stand for women, that's the most beautiful thing. और पता है एक सोसाइटी में ना एक औरत ही औरत का वो समझ पाती है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सिचुएशंस हैं. तो आई थिंक कि हमें एक दूसरे के लिए खड़ा होना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए हमेशा कि आपके अच्छे में भी और आपके बुरे में भी हम साथ हैं. मम्मी का रोल ऐसे रहा है कि गांव से निकल कर हम बाहर आए और उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ मुझे इतनी दी हैं कि मुझे शूटिंग करनी है, मुझे शूटिंग रेंज मिल गई, मुझे जिम मतलब मुझे कराटे करना था, मेरे लिए अकेडमी ढूंढी, बॉक्सिंग करनी थी अकेडमी ढूंढी, मुझे वायलिन सीखना है मेरे लिए वायलिन ला कर दिया और टीचर ढूंढा. मुझे कुछ भी सीखना होता है तो वो बहुत मतलब जुट जाती हूँ उस चीज़ में कि ये चाहिए तो ला के देंगे. तो आई थिंक वो अपॉर्चुनिटी अगर किसी भी बच्चे को मिले तो आई थिंक बहुत बहुत आधा काम वहीं हो जाएगा. और ये कथक भी तो था वो वाला. नहीं, नहीं. वो भी है, कथक छोड़ दिया. पता है बहुत शार्प है मनु. मैंने क्योंकि मैंने बोला हुआ था कि कथक के एक आध स्टेप्स देखेंगे या सीखेंगे, तो मनु ने बोला कथक को जरा सा यहाँ से डिलीट कर दो. लेकिन मनु एक चीज़ मैंने और रियलाइज़ की कि मैदान के अंदर जो आप कर रहे हो कर रहे हो. जसपाल राणा सर से बात हुई, मैंने देखा कि सबको पता है आप गीता पढ़ती हैं, गीता से अपने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ढूंढती हैं. तो मैदान के अंदर चैंपियन बनने के लिए मैंने देखा कि ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मैदान के बाहर क्या कर रहे हैं. ये चीज़ बड़ा इम्पैक्ट करती है. स्पिरिचुअल हो गई आप, तो ये मैदान के बाहर का रोल जो है या मैदान के बाहर का जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा है आपकी परफॉर्मेंस में. बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ मेरी ही नहीं, आई थिंक सबकी परफॉर्मेंस में काफ़ी बड़ा रोल निभाता है. क्योंकि आप जो इंसान हो एक्चुअली में उस पर काफ़ी निर्भर करता है कि आप कितने मेंटली स्ट्रांग हो, आप कितने फिज़िकली आपने कितना अपने आप को प्रेशर में डाला है, मेहनत की है, आप आगे बढ़े हो. तो आई थिंक जो आपका पूरा रूटीन है आप उसमें कितने कंसिस्टेंट हो, आपकी विल पावर कितनी स्ट्रांग है, अगर आप आपने कुछ ठान लिया है तो आप कितना उसको मतलब कितनी हद तक उसके लिए कर गुजरने का जज्बा रखते हैं. तो आई थिंक सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं. आप कितना नेचर से प्यार करते हैं, आप कितने भगवान में मानते हैं, और आप कितना रिस्पेक्ट करते हो बड़ों की और लोगों की, छोटों की, बड़ों की, सबकी. तो आई थिंक सारी चीज़ें मैं तो मानती हूँ डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं. बिल्कुल. एक दो सवाल और पूछूंगा. हॉबीज़ आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और कितना आगे लेके जाएंगी वायलिन को या कथक को? और तीसरी चीज़ इसमें, क्या अभी भी सिविल सर्विसेज दिमाग में है इतने बड़े चैंपियन बनने के बाद? मेरे लिए तो आई थिंक मुझे तो बहुत सारी चीज़ें करना मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ, चाहे वो मैं शूटिंग भी बहुत इन्जॉय करती हूँ, बट उसके अलावा जैसे घुड़सवारी हो गई, जैसे वायलिन हो गया मेरे लिए पर्सनल फेवरेट राइट नाउ, फिर स्केचिंग स्केच करना हो गया, पजल सॉल्व करना हो गया, फिर लिसनिंग टू म्यूज़िक, गोइंग टू जिम्स, वर्कआउट और सब कुछ, योगा करना, ये सब मुझे आई थिंक बहुत सारी हॉबीज़ हैं, बहुत सारी. आई जस्ट एंजॉय डूइंग एवरीथिंग. अमेजिंग. और आखिरी चीज़, हम चाहेंगे कि आप सचिन तेंदुलकर की तरह 22-23 साल की जर्नी हो, राफा नडाल की तरह, जोकोविच की तरह, क्योंकि इस जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए जो सपोर्ट सिस्टम है ये भी आपको चाहिए होगा, इसके लिए ज़बरदस्त प्लानिंग चाहिए होगी. कब बैठकर इस लॉन्ग फ्यूचर पर डिस्कशन शुरू होगा? क्योंकि अभी तो जश्न मनाने का टाइम है, सेलिब्रेट भी करना बहुत ज़रूरी है. तो ये फ्यूचर प्लान्स कब बैठकर बनाने का प्लान है कि कब हम यहाँ से नई पारी की शुरुआत करेंगे? आई थिंक प्लान तो मुझे सर कल या परसों बिठा के बनवा देंगे, बट बस जो भी प्लान में होगा बस यही होगा मोस्टली, तो कि और मेहनत करनी है और अच्छा करना है और क्या क्या चीज़ें हैं, बस बैठ के एनालिसिस होगा कि कैसा रहा, क्या रहा, कहाँ कमी रही, कहाँ नहीं, और उसके बाद बस अगला पड़ाव. मनु कॉन्ग्रेचुलेशंस. और हम उम्मीद यही करेंगे एज इंडियंस, भारतवासी सब यही उम्मीद करेंगे कि मनु की भूख वक्त के साथ और बढ़े और मेडल्स लेके आए और जीते, क्योंकि यही सब चाहते हैं कि एक लंबे समय तक जैसे हम सचिन तेंदुलकर की बात कर रहे हैं उसी तरीके से मनु भी 20-30 साल अगले जो है वो लगातार शूटिंग करते रहे इंडिया के लिए और ये भूख जो है कभी ख़त्म ना हो. लेकिन जो आपने कमाल ओलंपिक्स में किया है पेरिस में, इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस और हम सबकी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया भी, क्योंकि हम ये कभी भूलेंगे भी नहीं और हमेशा आपकी बात चलती रहेगी हमारे सर्कल्स में, चैनल्स में. थैंक यू. सचिन सर इज अ लेजेंड. कंपेयरिंग हिम लाइक कंपेयरिंग मी विद हिम, थैंक यू. हां, जर्नी आई विल ट्राई माय बेस्ट. हां, वो 23 साल बाद जब मिलेंगे तब वो कंपैरिजन होगा कि कितनी लंबी सफर मनु ने तय की. थैंक यू सो मच मनु. थैंक यू सर. थैंक यू.